हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोटोकॉल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से लिया गया एक टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्रोटोकॉल, व्हाट प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट एक्सप्लेन, यानी इंटरनेट पे प्रोटोकॉल का क्या यूज है इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। अगला, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और इन सभी का आंसर सेम ही होगा। व्हाट इज द प्रोटोकॉल, व्हाई इज इट नीडेड इन अ नेटवर्क, प्रोटोकॉल की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है नेटवर्क पे, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। राइट इन ब्रीफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज अ सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सेवरल कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के बीच या फिर कई सारे कंप्यूटर के बीच जब हम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं तो उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट को कैसे करना है, कैसे डेटा ट्रांसमिट करना है, उसके लिए रूल्स डिफाइन किए गए हैं, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इट डिफाइंस द एक्सेक्ट ऑर्डर इन विच टू मशीन्स एक्सचेंज डेटा विथ वन एनदर, प्रोटोकॉल्स और द टेक्निकल कस्टम्स और गाइडलाइंस दैट गवर्न द एक्सचेंज ऑफ द सिग्नल्स ट्रांसमिशन एंड रिसिप्शन बिटवीन द रिक्वायरमेंट। ईच प्रोटोकॉल्स स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच सिग्नल्स विल बी ट्रांसफर्ड, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू हैंडल द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। सभी प्रोटोकॉल यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल को बनाया गया है। बहुत सारे प्रोटोकॉल इस पे वर्क करते हैं। हम यह जानते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है, तो उस कनेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट में और वहाँ के डेटा को एक्सचेंज करने में, यानी जो डेटा है या सिग्नल यहाँ बोल सकते हैं हम, या इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जब हम इन्फॉर्मेशन या डेटा को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी गाइडलाइन या कौन कौन से रूल हम फॉलो करते हैं जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र हो सके। अगर प्रोटोकॉल का हम यूज़ नहीं करेंगे तो डेटा ए वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कभी भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका सबसे नॉर्मल एग्जांपल हम जान सकते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर यह प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता है तो डेटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कभी भी सेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें यह जानना होगा कि फर्स्ट यूज़र यानी सेंडर से रिसीवर के बीच में जो वर्क करते हैं, यानी कि सेंडर जब भी किसी मैसेज को ओरिजिनेट करता है या क्रिएट करता है, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीवर के पास भेजने में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। तो इस सभी प्रोटोकॉल को अगर यूज़र यानी सेंडर फॉलो करेगा तभी इन्फॉर्मेशन को दूसरे स्थान तक भेज सकता है, अन्यथा नहीं। अदर शब्दों में हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, यह रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ऐसा कलेक्शन है जिसके माध्यम से हर यूज़र को इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ अ प्रोटोकॉल, देयर आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ प्रोटोकॉल, मतलब इसमें कई सारे फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। हाउ टू बिगिन द टर्मिनेट अ सेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, प्रोटोकॉल के माध्यम से ही देखते हैं कि दो कंप्यूटर के बीच के सेशन को कब टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करने से मतलब यहाँ है कि सेशन कब कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको आगे बढ़ा देंगे, यानी कि कनेक्शन को कट कर देंगे। हाउ द मैसेज इन अ सेशन आर टू बी फॉर्म्ड, जब भी मैसेज
एक सेशन से दूसरे सेशन में, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है और सेशन अभी कनेक्टेड रहता है, तो उस मैसेज का फॉर्म क्या रहता है, किस फॉर्म में यानी किस फ्रेम्ड में वह मैसेज ट्रेवल करेगा। यह हम हमेशा जानते हैं कि जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो वह पैकेट्स में टूटकर एक फ्रेम में कन्वर्ट होकर जाता है। हाउ एरर्स इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस आर टू बी डिटेक्टेड, कैसे उस मैसेज में यानी उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं उसको कैसे डिटेक्ट करेगा, यह फंक्शन के अंतर्गत ही आएगा। हाउ मैसेजेस आर टू बी रिट्रांसमिटेड व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड, जब हमारे मैसेज में एरर डिटेक्ट करेगा तो हम उसे कैसे दोबारा ट्रांसमिट करेंगे, इसके बारे में फंक्शंस में ही आएगा। हाउ टू फाइंड आउट विच मैसेज ब्लॉक वॉज सेंड बाई विच टर्मिनल कंप्यूटर एंड टू होम, इसमें यह बताएगा कि कैसे मैसेज को ब्लॉक किया गया है, जो आपने सेंड किया गया है क्यों किया गया है, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। हाउ टू डायलॉग ऑन द कम्युनिकेट लाइन प्रोसीड, जब आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं तो उस लाइन की प्रोसीडिंग जो होती है यानी वो जो लागू किया जाता है तो उसमें डायलॉग बॉक्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट प्रोटोकॉल्स है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें दिया गया है कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ब्रेक्स अप द डेटा टू बी सेंट इनटू द पैकेट्स, यह डेटा या इंफॉर्मेशन को ब्रेकअप कर देता है यानी तोड़ के पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इट गारंटीज दैट एनी डेटा सेंट टू बी द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिचेस इट, यह गारंटी देता है कि सारा का सारा डेटा डेस्टिनेशन के पास पहुंचा दिया जाएगा, यानी सेंडर के द्वारा जो भेजा गया इन्फॉर्मेशन है वह पैकेट्स में टूटकर रिसीवर के पास सही सलामत और गारंटीड पहुंच जाता है। IP इज अ सेट ऑफ कन्वेंशंस यूज टू सेंड पैकेट्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, जो IP होता है वह उसके कन्वेंशंस को यूज करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक उस सारे पैकेट्स को पहुंचाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग द पैकेट्स टू अ डिजायर डेस्टिनेशन IP एड्रेस, यह रिस्पॉन्सिबल होता है एक ऐसे रूट का जो कि एक उस सारे पैकेट्स को डेस्टिनेशन के पास यानी सही IP एड्रेस के पास पहुंचाए जाए। अगला है X.12, दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन कंपनीज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पेपर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, यह दो कंपनीज के बीच इस प्रोटोकॉल का यूज करके अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या पेपर को ट्रांसमिट करते हैं। अगला है X.25, दिस प्रोटोकॉल इस्टेब्लिशेस द इंटरफेस फॉर द कॉमन डेटा नेटवर्क, इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी कॉमन डेटा नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन द इंटरनेट टू बी सेंड और रिसीव फाइल्स फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन, HTTP का हम उपयोग करके इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी फाइल को सेंड या रिसीव कर सकते हैं अदर लोकेशन से। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।